नमस्कार, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे क्या कुछ खास है आज की खबर में, क्या है सुर्खियों में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में तूफान यास को लेकर मौसम विभाग ने दी चेतावनी, हाई अलर्ट जारी, 26 जिलों में भारी बारिश के आसार। खराब मौसम के बीच 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 969 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चक्रवात प्रभावित इलाकों में पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के नारंग इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट, कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। साइक्लोन यास की वजह से तूफान के खतरों के मद्देनजर बेहाल पुलिस स्टेशन के सामने आर्मी स्टैंड बाय मोड में। बंगाल में साइक्लोन यास का लैंडफॉल शुरू, पूरा होने में लगेंगे और 3 घंटे, कहा सीएम ममता। आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसान मना रहे काला दिवस, गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर जताया विरोध। वहीं पीएम मोदी बोले, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 262 अंकों की उछाल के साथ खुला। कोरोना से देश में पिछले 24 घंटों में 2.08 लाख नए केस सामने आए। कल रिकॉर्ड 22.27 लाख टेस्ट किए गए। ओडिशा के तट से 10 से 11 बजे के बीच टकराएगा चक्रवाती तूफान यास, सीएम नवीन पटनायक ने अफसरों से की बात। यास तूफान का बंगाल में दिखने लगा है असर। कोलकाता एयरपोर्ट आज शाम 7:45 तक बंद रहेगा। दिल्ली के द्वारका के बेगास मॉल में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन आज। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकते हैं वैक्सीन। ओडिशा में यास तूफान का असर, बालासोर समेत कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश शुरू। पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची गोवा सरकार। चक्रवाती तूफान यास के दोपहर तक ओडिशा तट से टकराने का अनुमान। दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रोज नई और ताजा तरीन जानकारी उपलब्ध कराते रहें। आइए दूसरी सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ घटा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कल से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है, जो 5 जून तक लागू रहेंगी वहां पे पाबंदियां। पंजाब में कोरोना के 4,798 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 176 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना के 53,127 एक्टिव केस, पिछले 24 घंटों में ठीक हुए 6,451 संक्रमित। पंजाब में कोरोना के कारण अब तक 13,642 मौतें, 4.81 लाख से ज़्यादा संक्रमित ठीक भी हुए। यह साइक्लोन के कारण 26 और 27 मई को नहीं चलेंगी मालदा बालूरघाट पैसेंजर ट्रेन। तेलंगाना में कोरोना के 3,821 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटों में 23 मौतें भी। अमेरिका में यूएनओ को महासचिव से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोरोना पर हुई चर्चा। असम में कोरोना के 5,767 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में 92 संक्रमितों ने अपनी जानें गंवाई। वहीं असम में कोरोना के 53,541 एक्टिव केस, अब तक 3.23 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। बंगाल में कोरोना के 17,005 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में 157 मौतें, साथ ही साथ 19,000 से ज़्यादा ठीक भी हुए हैं। क्विक न्यूज़ इंडिया लगातार आप तक नई और ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाता रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन, सटीक और सही खबरें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।